आनंद हो प्राण साधना के बीच में हम वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट प्राण साधना। आनंद हो प्राण साधना जो है वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है रिजुवनेशन का, और ये ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत हूं। और अभी हम आनंद हो प्राण साधना में तत्वों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे तत्व है ना प्रभावित करते हैं हर व्यक्ति को, व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति की सोच को, व्यक्ति की समझ को, ये सब कैसे प्रभाव डालते हैं, कितना जो है इनका स्वामित्व है हम पर। तो आज हम तत्वों की यात्रा में अग्नि तत्व के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक जो बातें की हैं उनको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि पिछली वीडियोस आनंद हो प्राण साधना के टाइटल से जो मैंने डाली हैं वो जरूर देख लें। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप देख सकते हैं, और उन वीडियोस के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। और जो जो वीडियोस मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूं ये आप जरूर देखें, क्योंकि जिस महल की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस उच्चतम पराकाष्ठा की तरफ जाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं, चल रहे हैं, वो उसका नींव जो है, उसका जो बेस है वो पीछे है। अग्नि संपूर्ण सृष्टि जिसके कारण है, और संपूर्ण सृष्टि का जो बेस है अग्नि। हम भूर लोक में रहते हैं, जब हम बात करेंगे गायत्री के बारे में भी तो हम देखेंगे कि भूर लोक क्या है ना। तो अग्नि तत्व के लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले अग्नि तत्व, बेसिकली अगर हमें तत्वों को समझना है तो हमें यह जानना होगा कि हर तत्व का प्रकार क्या है, हर तत्व की शक्ति क्या है, और हर तत्व का एग्जिस्टेंस क्या है, तभी हम उनकी एग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे जो भी जातक होते हैं अलग अलग तत्वों के। तो अग्नि का स्वभाव क्या है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर अग्नि तत्व के लोगों को समझना है, और अगर मेरा अग्नि तत्व होगा तो मैं कैसे जानूं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं कैसे जानूं। अग्नि तत्व के लोगों की टेंडेंसीज क्या होती हैं, उनके सबकॉन्शियस की ऊर्जा क्या होती है, उनकी अनकॉन्शियस की ऊर्जा क्या होती है, ये भी हम आने वाले समय में अग्नि तत्व के बारे में और बातें करते जाएंगे। आज हम बेस की बात कर रहे हैं। अग्नि तत्व है फायर एलिमेंट, और हमें फायर को समझना होगा। फायर क्या है, फायर अपने आप में क्या है, ज्वलंतता, गर्मी, ताप, लीडरशिप, निर्भयता है ना, और गुस्सा, तेज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जब हम अग्नि को समझते हैं तो फायर के जो एलिमेंट के लोग हैं उनके अंदर या तो पॉजिटिव टेंडेंसीज होंगी इसकी या नेगेटिव। अब सपोज इट किसी का फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है और उसका मुख्य जो है तत्व वो अग्नि है, और वो ही बिगड़ा हुआ है तो उसकी पूरी लाइफ बिगड़ी होगी, उसका नेचर, उसकी समझ, उसकी सबकॉन्शियस की ऊर्जा, वो सब बिगड़ी होगी। अब अग्नि तत्व को समझना है तो अग्नि को समझना होगा। अग्नि जो है या तो वो जलाती है, ठीक है, और भस्म कर देती है, राइट, और या अग्नि जब जलती है तो यज्ञाग्नि बन जाती है। यज्ञाग्नि बनने के बाद वो क्या करती है, देवताओं को हविष्य पहुंचाती है। और अग्नि जब जलती है तो ताप देती है। अग्नि तत्व के लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं। यदि अग्नि तत्व के लोगों को समझा जाए तो बहुत ही पवित्र, बहुत पायस और बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं। हर वक्त उनमें ताप, शरीर का जो ताप है, जो उनका बॉडी का जो शक्ति है, वो हमेशा उनके अंदर जागृत रहती है। उनकी नाभि की अग्नि हमेशा जागृत रहती है। अग्नि तत्व के लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर तामसी। उनका तमस, तमोगुण जो है वो बहुत ज्यादा कईयों में बढ़ा हुआ होता है। अब अग्नि तत्व को समझना है तो हमें यह भी समझना होगा कि अग्नि
भस्म भी कर देती है। तो ऐसे ही उनका गुस्सा होता है, ठीक है, ऐसे ही उनका गुस्सा होता है। यदि उनके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है तो वो गुस्से में आते हैं और डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। पॉजिटिव सेंसेस में यदि उनको जीवन में कोई चैलेंज मिल जाए तो वो अपनी जान लगा देते हैं और जीत के दिखाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बाय द डिफॉल्ट इनमें होती हैं। नाभि की अग्नि मुख्य रूप से मणिपुर चक्र इनका मुख्य रूप से जागृत होता है। अब अग्नि के बारे में जब हमने बात की कि तीक्ष्णा अग्नि, समा अग्नि, विषमा अग्नि, है ना, ये सब बात की थी ना, और उसी के अंदर हमने बात की थी क्या चित्ता अग्नि। अब अग्नि के जो लोग होते हैं उनके अंदर पहले तो क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्वालिटी होती है, सबसे पहली क्वालिटी होती है लीडरशिप, यानी वो किसी भी संगठन को लीड कर सकते हैं, निर्भयता होती है उनमें, ये दूसरी क्वालिटी है, घबराते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मृत्यु से नहीं घबराते, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, और कल की बात तो सोचते ही नहीं, आज है आज ही करेंगे, करके दिखाएंगे, चैलेंजेस लेना उनकी टेंडेंसी होती है। उसके बाद में ईगो, अहंकार, और उसके साथ में यदि खराब है तो तमोगुण, और यदि सही है तो सत्वगुण, और यदि वो बैलेंस्ड नहीं है, खराब भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, पूरा बीच में है, तो रजोगुण। सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो घबराता नहीं है और शिकार करने से घबराता नहीं है, यही अग्नि तत्व के लोगों की पहचान होती है। यदि उन्हें चैलेंज कर दिया जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो गोल सेटिंग करते हुए सोचना नहीं, कर देना है, ये क्वालिटीज होती हैं अग्नि तत्व।